ये एग्जाम्पल्स आरएमएस वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है जो पेपर में आने हैं आपको, एनसीईआरटी से लेके मेंस नीट में पक्का क्वेश्चन आएंगे और इजी और फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। पहला फॉर्मूला जो आपने किया, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है मैंने बताया, सबको ऐड करके डिवाइड बाई एन करोगे एवरेज स्पीड आएगी, बात खत्म। फिर दूसरा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये ऑलरेडी हमने नोट कर लिया था, पर मोल पर मॉलिक्यूल के हिसाब से। आरएमएस स्पीड कैसे निकलती है ऐसे ही बताया था, आरएमएस स्पीड में वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बताया पर मॉलिक्यूल पर मोल, इसमें करेक्शन करें, जहां कैपिटल आर आता है वहां कैपिटल एम लगता है पर मोल, के साथ छोटा एम, आर के साथ बड़ा एम, करेक्शन है ठीक है यहां तक। और लास्ट स्पीड थी मोस्ट प्रोबेबल, ये भी किया। पहला क्वेश्चन, चार मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी चार स्पीड्स हैं, एवरेज स्पीड निकालो और आरएमएस निकालो, सिंपल मैथ लगाओ, एवरेज स्पीड क्या होती है इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय एन एवरेज स्पीड आ गई। आरएमएस स्पीड निकालो, आरएमएस स्पीड में सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर लो, उनका एवरेज लो और फिर एंड में अंडर रूट कर दो, आरएमएस स्पीड आ गई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज गिवन है, रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड निकालो और एवरेज स्पीड निकालो, सेम क्वेश्चन है, आरएमएस स्पीड में स्क्वायर करके एवरेज लेके अंडर रूट, एवरेज के अंदर सिंपल एवरेज और फिर रेशियो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड, आंसर। ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड निकालनी है एसटीपी के ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट 32 है, प्रेशर एसटीपी के ऊपर पता है, कैपिटल एम के लिए 32 ग्राम है केजी में कन्वर्ट कर लिया और वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, मीटर क्यूब में कर लिया। तो वेलोसिटी के दो फॉर्मूला में पता है एवरेज के, आरएमएस के, पहला फॉर्मूला 3 PV बाय एम का अंडर रूट, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, मास पता है, आंसर। ये नहीं लगाना तो वो भी लगा सकते हैं 3 RT बाय एम, क्योंकि टेम्परेचर 273 पुट करके आप वैसे भी आंसर निकाल लेंगे, आंसर सेम ही आएगा, जैसे मर्जी कर लें, जो मर्जी आरएमएस का फॉर्मूला लगा लें आंसर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बेस्ड है ये भी, नहीं जब प्रिंट कर लेंगे ठीक। आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर टी इज वी, तो आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन की टी टेम्परेचर पे वी है, टेम्परेचर को डबल कर दिया और ऑक्सीजन को डिसएसोसिएट कर दिया इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल एटम में बन गया, चेंज इन आरएमएस स्पीड निकालो, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला ये रहा। तो सेकंड, ये तब है जब मॉलिक्यूल एम बना हुआ है, जब डिसएसोसिएट हो गया एटॉमिक ऑक्सीजन और टेम्परेचर क्या कर दिया डबल, क्वेश्चन में गिवन है, और मास एटम की वजह से क्या हो जाएगा हाफ, तो 2 का 2 4 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आरएमएस, डबल वेलोसिटी हो जाएगी ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, इसमें चेंज इन आरएमएस स्पीड वी क्यों नहीं है? हाँ, तो 2V माइनस V V हो गया ना, अच्छा क्योंकि एंड में आंसर वो था, लिख दो कोई बात नहीं, चेंज नहीं नहीं न्यू आरएमएस स्पीड भी लिखना चाहिए मुझे, 2V है, नई आरएमएस वी है, उसने क्या पूछा, हाँ तो मुझे माइनस करना चाहिए, 2V में से V गया तो V आएगा, चेंज पूछ रहे राइट। एट व्हाट टेम्परेचर इज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस, तो क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, हाइड्रोजन की आरएमएस ऑक्सीजन की आरएमएस सेम कर दो, लेकिन टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है, आपको ऑक्सीजन का टेम्परेचर गिवन है 47 डिग्री सेल्सियस, आपको हाइड्रोजन का टेम्परेचर निकालना है, तो आरएमएस हाइड्रोजन की ये रही टी फॉर टेम्परेचर, ऑक्सीजन में टेम्परेचर 47 है तो टेम्परेचर की जगह 47 + 273 निकाल लो आंसर, टी की वैल्यू आ गई, तो दोनों वेलोसिटीज को इक्वेट करो, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, एक का टेम्परेचर गिवन है और एक का निकालना है, स्क्वेयरिंग करके आंसर आएगा, समझ में आ रहा है यहां तक ठीक। नेक्स्ट,
कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल्ड इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस प्रेशर रिमेनिंग द सेम। तो क्या करना है अपने को, टेम्परेचर निकालना है जब आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और कब, जितनी वैल्यू उसकी 27 पे थी। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले वेलोसिटी 27 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो वी 27 है, तो वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, 273 प्लस 227। और अब वेलोसिटी मुझे निकालनी है, वो कह रहे मुझे वेलोसिटी डबल करनी है, तो टेम्परेचर बताओ। तो टेम्परेचर मान लो कितना हो गया टी। तो पहले केस में वेलोसिटी वी 27 है, दूसरे केस में वेलोसिटी वी 27 का डबल है और टेम्परेचर लेकिन टी है। तो सॉल्व करके ट्वाइस आ जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो यानी कि रूल क्या लग रहा है इसमें, रूल ये लग रहा है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट प्रेशर गिवन इज 1.98। तो कार्बन डाइऑक्साइड में टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है और डेंसिटी भी पता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस क्या होगी। तो प्रेशर सेम रखना है। देखो एक काम करते हैं, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटीज गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं आरएमएस का। तो मान लो एट 0 डिग्री सेल्सियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, आंसर आ गया। तो वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस आ गई। अब अपने को वेलोसिटी किस पे निकालनी है, 30 पे। वेलोसिटी आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो दो बार रिजल्ट लगाओ, एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है, एक बार 30 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो आपको ये वैल्यू हम ऊपर निकाल के दे चुके हैं, यहाँ से V30 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो रिलेशन वही लगेगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो पहले वेलोसिटी 0 तो वैसे ही आ जाएगी, और 30 पे निकालने के लिए वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर का रिजल्ट लग जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो भी हमने किए, काफी इंपॉर्टेंट है आरएमएस के ऊपर, ये कॉम्पिटिशन में और एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको।